वेलकम स्टूडेंट्स आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड टॉपिक है और ये टॉपिक है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्टोक्योमीट्री इस टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो हम शुरू करते हैं स्टोक्योमीट्री क्या होता है स्टोक्योमीट्री ग्रीक वर्ड से निकला हुआ एक वर्ड है और वो ग्रीक वर्ड्स है स्टोक्योन जिसका मतलब है एलिमेंट और दूसरा वर्ड है मीट्रॉन जिसका मतलब है मेजर तो स्टोक्योमीट्री का मतलब बना मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं इट इज द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन तो इसमें हम स्टोक्योमीट्री में क्या करते हैं हम रिएक्टेंट्स uh, और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटीज जिसमें मास वॉल्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मोल्स ये सब शामिल हैं ये चीजें हम कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट कैसे करते हैं इसके लिए हम एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं अब हम स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं इसके लिए कुछ कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए जो रिक्वायर्ड हैं वो हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हमें पता होना चाहिए हम एक केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं दूसरा कंसेप्ट है द कंसेप्ट ऑफ मोल एंड द रिलेशनशिप बिटवीन मोल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स मासेस एंड वॉल्यूम्स इफ द गैसेस आर इन्वॉल्व इन ए प्रोसेस तो मोल का रिलेशनशिप पार्टिकल्स के साथ मासिस के साथ वॉल्यूम के साथ क्या है ये हम ऑलरेडी एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं जिसका लिंक अभी मैं शेयर करूंगा आप आई बटन चेक कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर वहाँ से आपको वो लिंक मिलेगा जहाँ से आप वो टॉपिक वो वीडियो मेरा चेक कर सकते हैं और अगला जो कंसेप्ट इसमें चाहिए होगा हमें वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स स्टोक्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को क्लासिफाई किया गया है चार टाइप्स में एक टाइप है मोल 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 रिलेशनशिप इसमें हमें किसी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे और किसी दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करने होंगे दूसरी जो टाइप है वो है बेस्ड ऑन मास मास रिलेशनशिप मतलब इसमें गिवन मास होगा किसी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का और किसी दूसरे का मास हमें डिटरमिन करना होगा या कैलकुलेट करना होगा तीसरा है बेस्ड ऑन मास वॉल्यूम रिलेशनशिप इसका मतलब है कि किसी एक सब्सटेंस का मास गिवन होगा किसी दूसरे गिवन मतलब भी वॉल्यूम होगा और हमें कैलकुलेट भी वॉल्यूम करना होगा किसी दूसरी स्पीशीज का एक केमिकल रिएक्शन में अब स्टोक्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो डिफरेंट स्टेप्स हम यूज करते हैं वो स्टेप्स क्या है पहला स्टेप है कि हम सबसे पहले जिस केमिकल रिएक्शन के बारे में पूछा गया है उसकी हम एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे उसके बाद जिन रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के क्वांटिटीज गिवन है या जिनकी क्वांटिटीज हमने कैलकुलेट करनी है रिमेम्बर दो चीजें आपको यहां पर याद रखनी है वो रिएक्टेंट या वो प्रोडक्ट जिनकी क्वांटिटीज गिवन है या जिनकी क्वांटिटीज हमने कैलकुलेट करनी है उनके हम नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मासेस लिखेंगे इसके बाद अगर उन रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के दो या दो से ज्यादा एटम्स या मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं किसमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में तो हम क्या करेंगे हम वो जो नंबर ऑफ मोल्स हमने लिखा था या मोलर मासज लिखे थे उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर के साथ जैसे मान लीजिए कोई रिएक्टेंट टू टाइम्स है तो हम उसके मोल को या मोलर मास को टू से मल्टीप्लाई करेंगे अगर कहीं थ्री एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं तो हम उसके मोल्स या मोलर मास को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसके बाद हम लिखेंगे द एक्चुअल क्वानिटीज ऑफ द आर गिवन क्वेश्चन में जो आपको किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की क्वानिटी गिवन होंगी वो हम लिखेंगे और जिसकी क्वांटिटी हमने निकालनी है उसके साथ हम एक साइन ऑफ इंटेरोगेशन यूज करेंगे जिसका मास या वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना है इसके बाद हम कैलकुलेशंस करेंगे और कैलकुलेशन के लिए हम यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे वो हम देखेंगे अब जब हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे उसमें हम देखेंगे कि ये सारे स्टेप्स हम किस तरह से अप्लाई करते हैं सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉब्लम तो सबसे पहले हम बात करेंगे द स्टोक्योमेट्रिक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मोल मोल रिलेशनशिप इसका मतलब जैसे मैंने अभी कहा था कि इसमें हमने क्या करना है हमें किसी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे किसी दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करने होंगे जैसे मान लीजिए इस प्रॉब्लम में एक केमिकल रिएक्शन के बारे में पूछा जा रहा है वो रिएक्शन है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में और प्रोडक्ट क्या बन रहा है अमोनिया आप क्वेश्चन के मुताबिक आप देखिए हाउ मेनी मोल्स टू प्रोड्यूस मोल्स ऑफ अमोनिया बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन इसका मतलब है कि हमें नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं और अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स गिवन है फाइव मोल्स ऑफ अमोनिया गिवन है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे हम इस केमिकल रिएक्शन के लिए एक केमिकल इक्वेशन लिखेंगे और वो इक्वेशन होगी बैलेंस्ड फॉर्म में सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऐसे बन रही है नाइट्रोजन दैट इज वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड गिव्स टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया सो यहां से हम सबसे पहले क्या करेंगे इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम निकालेंगे कि नाइट्रोजन के और हाइड्रोजन के कितने मोल्स आपस में रिएक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो आप देख सकते हैं वन मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यस थ्री मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वी गेट टू मोल्स ऑफ अमोनिया अब यहां पर हमने सिर्फ नाइट्रोजन के और अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स लिखे हैं फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन की क्वांटिटी क्वेश्चन के मुताबिक हमने कैलकुलेट करनी है और अमोनिया की क्वांटिटी गिवन है तो जिनकी इज गिवन या जिनकी इज कैलकुलेट करनी हो उन्हीं के नंबर ऑफ मोल्स हम यहाँ पर लिखते हैं इसके बाद हम क्या लिखेंगे नाइट्रोजन की क्वांटिटी जो गिवन है और जो कैलकुलेट करनी है उसके लिए हम एक साइन ऑफ इंट्रोगेशन यूज कर रहे हैं और अमोनिया की क्वांटिटी जो गिवन है क्वेश्चन में वो है फाइव मोल तो ये हमने लिख लिए अब हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि नाइट्रोजन के कितने मोल्स रिएक्ट करके अमोनिया के कितने मोल्स बनाते हैं तो आप देख सकते हैं फ्रॉम द स्टोक्योमिट्री ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन हमें क्या पता चल रहा है टू मोल्स ऑफ अमोनिया आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन मोल ऑफ नाइट्रोजन तो अगर दो मोल्स अमोनिया हमें चाहिए उसकी प्रोडक्शन करनी है तो नाइट्रोजन कितना चाहिए वी हैोल अमोनिया के लिए हमें कितना नाइट्रोजन चाहिए तो फ्रॉम यूनिट्री मेथड हम निकाल रहे हैं यह आ जाएगा वन अपॉन टू मोल्स सो वन मोल ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अब क्वेश्चन में क्या था क्वेश्चन में अमोनिया के कितने मोल्स गिवन थे अमोनिया के फाइव मोल्स गिवन थे तो अब हम निकालेंगे कि मोल्स ऑफ अमोनिया कितने नाइट्रोजन से बनेगा तो फाइव मोल्स ऑफ अमोनिया आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नाइट्रोजन इक्वल टू अब हम क्या करेंगे ये जो मोल था इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद फाइव मोल्स तो वन बाई टू इंटू फाइव कितना आ जाता है

प्लस टू मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू मोल्स अब क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी हमने कैलकुलेट करनी है और मीथेन की क्वांटिटी गिवन है तो हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के नंबर ऑफ मोल्स को आपस में रिलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो हमें क्या मिला हमें मिला वन मोल ऑफ मीथेन ऑन कम्बन गिव्स वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये हमें मिल रहा है फ्रॉम द स्टोक्योमिट्री ऑफ द केमिकल रिएक्शन अब जो क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन क्या है मीथेन के थ्री मोल्स गिवन है और हमने देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स बनेंगे तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन में क्या करेंगे हम स्टोक्योमीट्री से देखेंगे कि और कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स के बीच में क्या रिलेशन है तो वो रिलेशन क्या है कि वन मोल ऑफ मिथेन ऑन कम्बशन गिव्स वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सो इफ वन मोल ऑफ मिथेन गिव्स वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो गिवन था गिवन क्या था थ्री मोल्स ऑफ मिथेन थ्री मोल्स ऑफ मिथेन की कंबेशन से कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलेगा dioxide, then मोल्साइड इफ of मोल ऑफ give 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो ये बहुत ही सिंपल केस था ये हमने सॉल्व कर लिया इसी तरह से अगर इसी क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया होता जैसे मान लीजिए अगर हमें पूछा गया होता कि वाटर कितना हम बनेगा इफ इफ थ्री मोल्स ऑफ मिथियन अंडर गोज कम्बेशन हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर इज फॉर्म तो अकॉर्डिंगली हम उसको भी कैलकुलेट कर सकते थे

रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का मास हमने कैलकुलेट करना होगा इसके लिए भी हम वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे क्या कंसेप्ट अप्लाई करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन लेंगे उसको हम मोल्स में और यहां पर हम मास में कन्वर्ट करेंगे सो एक क्वेश्चन आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम्स इसके मतलब हमने वाटर का मास निकालना है प्रोड्यूस्ड बाई द्री पॉइंट टू ग्राम्स ऑफ मिथेन इसका मतलब है कि वाटर का मास हमने कैलकुलेट करना है और मिथेन का मास गिवन है। अब की की बात हो रही है so all, हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे. तो ये आपके सामने है इसमें आप जानते हैं मिथेन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं वन ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स हैं टू कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर ऑफ मोल वन और वाटर के नंबर ऑफ मोल्स हैं टू अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो ये हमें मिला वन मोल ऑफ मिथेन और आगे हम क्या लिख रहे हैं टू मोल्स ऑफ वाटर पर अब हम और वाटर के नंबर ऑफ मोल्स को रिलेट कर रहे हैं क्यों बिकॉज इन द क्वांटिटी ऑफ मिथेन इज गिवन एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर इज टू बी कैलकुलेटेड तो हमने मिथेन और वाटर के अमाउंट को रिलेट कर दिया तो यहां से अब हमें क्या मिला कि वन मोल ऑफ मिथेन ऑन कम्बन गिवस टू मोल्स ऑफ वाटर लेकिन अब हमने क्या करना है हमने इसको मास में कन्वर्ट करना है बिकॉज क्वेश्चन में हमें मास के बारे में पूछा गया है और मास के बारे में ही कैलकुलेशन भी करना है सो वन मोल ऑफ मीथेन इज इक्वल टू सिक्सटीन ग्राम ये आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी वन मोल ऑफ मीथेन सिक्सटीन ग्राम के बराबर क्यों है क्योंकि मिथेन का मोलर मास सिक्सटीन ग्राम है और टू मोल्स ऑफ वाटर किसके बराबर है इट इज इक्वल टू थर्टी सिक्स क्योंकि वन मोल ऑफ वाटर 18 ग्राम्स के बराबर है तो टू मोल्स ऑफ वाटर 36 सिक्स ग्राम्स के बराबर हो गया सो so, यहां से हमें क्या पता चला दैट ऑफ कमर्शियन गिवस थर्टी सिक्स ग्राम्स ऑफ वाटर ये तो था अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन अब हम देखेंगे गिवन क्या है और आस्क क्या है क्वेश्चन में दिया गया है 3.2 पॉइंट ग्राम्स ऑफ मिथेन और निकालना क्या है हमने मास ऑफ वाटर निकालना है सो वी विल स्टार्ट्राम दस टोक्मीट्रिक रिलेशनशिप बिटवीन मिथेन एंड वाटर तो वहाँ से हम शुरू करेंगे कैलकुलेशन हम कहेंगे कि सिक्सटीन ग्राम्स ऑफ मिथेन ऑन कम्बसन प्रोड्यूस थर्टी सिक्स ग्राम्स ऑफ वाटर सो इफ सिक्सटीन ग्राम्स ऑफ मिथेन प्रोड्यूस थर्टी सिक्स ग्राम्स ऑफ वाटर अब हम क्या करेंगे कि वन ग्राम ऑफ मिथेन की कम्बसन से कितना वाटर बनेगा सिक्स डिवाइडेड बाई स तो एक ग्राम से अगर इतना मिला अब क्वेश्चन में क्या था क्वेश्चन में था 3.2 ग्राम्स ऑफ मीथेन से हमें कितना वाटर मिलेगा तो हम क्या करेंगे वी विल मल्टीप्लाई द टर्म दैट इज 36 अपॉन 16 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 3.2 ग्राम्स के साथ वी विल गेट 7.2 ग्राम्स ऑफ वाटर देयरफॉर द कंबशन ऑफ 3.2 ग्राम्स ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस वाटर इक्वल टू 7.2 ग्राम्स सो दिस वाज बेस्ड ऑन मास मास रिलेशनशिप एक और एग्जांपल हम करेंगे इसमें क्या है इसमें है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस आफ्टर कंबशन फिर से मीथेन की कंबशन की बात हो रही है मीथेन के कितने मोल्स रिक्वायर्ड है टू प्रोड्यूस 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अब ये जो रिलेशनशिप है ये मोल और मास के बीच में रिलेशनशिप है आप देख सकते हैं

मोल में ही रखेंगे इसको इन टर्म्स ऑफ मोल ही रखेंगे क्योंकि हमने मिथेन के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं बट कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू मास तो हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास है 44 ग्राम्स क्योंकि एक ही मोल पूछा गया है सो वी विल टेक द मास ऑफ ओनली वन मोल दैट इज फोर्टी ग्राम तो यहां से हमें क्या पता चला दैट वन मोल ऑफ मिथेन ग्यूज फोर्टी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अब जो क्वेश्चन में गिवन है गिवन है 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और हमने बताना है मीथेन के कितने मोल्स की कंबशन से ये बनेगा सो अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टोइकियोमेट्री दैट इज हम क्या करेंगे हम देखेंगे कि 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है बाय द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ मीथेन तो अगर एक मोल मीथेन से बन रहा है 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने मीथेन से बनेगा वी विल

कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितने मोल मिथेन चाहिए वी नीड जीरो पॉइंट फाइव मोल्स ऑफ मिथेन अब नेक्स्ट है द मास प्रॉब्लम रिलेशनशिप इसका मतलब है कि इस केस में किसी एक सब्सटेंस का मास गिवन होगा, किसी दूसरे का हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा अब जहां पर भी वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा तो इसमें हमने कुछ चीजें याद रखनी है पहली चीज कि वॉल्यूम किसी गैस का होगा मतलब वॉल्यूम जब भी इन्वॉल्व होगा इट मस्ट बी ए गैस और दूसरी बात के एक सब्सटेंस, एक गैस का जो वॉल्यूम होता है वो एक मोल के लिए कितना होता है 22.4 लीटर्स और कंडीशन क्या है कंडीशन है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इट इज नॉर्मल टेम्परेचर इट इज इक्वल टू सेल्सियस एंड नॉर्मल प्रेशर कितना है इट इज इक्वल टू वन एटमोसफियर सो द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वॉल्यूम्स

इस क्वेश्चन में हमने वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है एट एन टीपी दैट वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट ऑफ ऑफ बेंजीन इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हमने कैलकुलेट करना है और मास ऑफ बेंजीन गिवन है तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे क्या है रिएक्शन क्या है बेंजीन की कम्बशन हो रही है और बेंजीन की कम्बेशन से क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है तो केमिकल इक्वेशन इस तरह से होगी बेंजीन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और इसको बैलेंस करने के बाद क्या मिला टू टाइम्स बेंजीन प्लस फिफ्टीन टाइम्स ओ टू गिव्स ट्वेल्व टाइम्स ओ टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिक्स एच टू ओ तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे हम इन नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे दो सब्सटेंसेस के एक वो सब्सटेंस

ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स को कन्वर्ट कर रहे हैं वॉल्यूम में क्योंकि बेंजीन का मास गिवन था और ऑक्सीजन का वॉल्यूम हमने निकालना था क्वेश्चन में तो इसलिए हमने मोल्स को यहाँ पर मास में कन्वर्ट किया और यहां पर मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट किया अब मोल्स को हम मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम जानते हैं बेंजीन का मोलर मास है सेवन एट तो हमने उसको टू से मल्टीप्लाई किया तो ये हमें क्या मिला वन फिफ्टी सिक्स ग्राम्स अब ऑक्सीजन के मोल्स को हमने वॉल्यूम में कन्वर्ट किया तो हम जानते हैं एट एन टीपी वन मोल ऑक्यूपाइज ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर्स लेकिन यहां पर मल्टीप्लाई तो करके कितना बना थ्री हंड्रेड थर्टी सिक्स लीटर सो तो रिलेशनशिप हमें क्या मिला वन फिफ्टी सिक्स ग्रामजीन विल अंडर गो कम्बन विथ थ्री थर्टी सिक्स लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट एन टीपी अब क्वेश्चन में गिवन क्या है थर्टी वन पॉइंट टू ग्राम ऑफ बेनजीन और निकालना क्या है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन सो अगेन वी विल स्टार्ट विद द स्टॉइकियोमेट्री स्टॉइकियोमेट्री में क्या बताया गया है 156 ग्रामस ऑफ बेंजीन फॉर कंप्लीट कंबशन रिक्वायर्स ऑक्सीजन इक्वल टू 336 लीटर जैसे ऊपर हमने देखा अगर 156 ग्राम बेंजीन के लिए हमें चाहिए 336 लीटर ऑफ ऑक्सीजन तो 1 ग्राम ऑफ बेंजीन के लिए कितना चाहिए ऑक्सीजन 336 अपॉन 156 ये यूनिटरी मेथड आ गया

जैसे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हमने क्या करना है हमने कैलकुलेट करना है द वॉल्यूम ऑफ ऑफ ऑक्सीजन एट एन वुड बी रिक्वायर्ड टू टू कन्वर्ट लीटर कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड तो यहां पर ऑक्सीजन का वॉल्यूम हमने निकालना है और कार्बन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम गिवन है अब रिएक्शन क्या है रिएक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड की कन्वर्जन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग ऑक्सीजन तो

अगर हमारे पास टू मोल है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का टू मोल है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा टू इंटू ट्वेंटी और ऑक्सीजन का चूंकि ही मोल है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा ट्वेंटी फोर पॉइंट एट लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर ऑक्सीजन चाहिए एट एन टीपी दिस इज अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड इक्वेशन और अकॉर्डिंग टू द स्टोइकियोमेट्री अब जो क्वेश्चन में गिवन है गिवन क्या है 5.2 लीटर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और निकालना क्या है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन तो कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द स्टोक्योमेट्रिक रिलेशनशिप क्या है रिलेशनशिप वो है कि 44.8 लीटर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिक्वायर्स ऑक्सीजन इक्वल टू 22.4 लीटर्स। नाउ अगर 44.8 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन चाहिए 22.4 लीटर तो बताइए 1 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए 22.4 डिवाइडेड बाय 44.8 अब 1 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए इतना चाहिए ऑक्सीजन तो बताइए 5.2 लीटर साफ कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे इस क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद 5.2 22.5 अपॉन 44.8 को अब हमने मल्टीप्लाई किया विद 5.2 दैट वाज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड तो इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या आ जाता है वी गेट 2.6 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन सो इन ऑर्डर टू कैरी द कन्वर्जन ऑफ 5.2 लीटर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड वी रिक्वायर ऑक्सीजन इक्वल टू टू लीटर्स दिस इज द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप अब जो वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप होता है इनको ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम एक और कंसेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो कंसेप्ट है द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स गेलोसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स क्या था इसमें हमने पढ़ा था द गैश रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स शो सिंपल होल नंबर रेशियोज ऑफ वॉल्यूम्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर जैसे फॉर एक्साम्पल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन हो रही है के के कितने moles? One mole, hydrogen के कितने moles? Three moles react कर रहे हैं to form two moles of ammonia. अब इनके वॉल्यूम्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होगी इफ़ देशर एंड प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट वही रिलेशन जो इनके नंबर ऑफ मोल्स के बीच में है नाइट्रोजन का वन मोल हाइड्रोजन के थ्री मोल्स और अमोनिया के दो मोल आपस में रिएक्ट इनके बीच में रिलेशनशिप है दैट इज वन मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद विद्री मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वी गेट टू मोल्स ऑफ अमोनिया तो इनके वॉल्यूम के बीच में भी सेम रिलेशनशिप होगा मीन वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन विद वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड गिवस टू वॉल्यूम्स ऑफ टू वॉल्यूम्स ऑफ अमोनिया एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर सो द रेशो बिकम्स वन रेशो थ्री रेशो टू दैट इज द सिंपल होल नंबर रेशो और वो रेशो हमें कहाँ से मिली फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वॉल्यूम ऑफ द रियक्ट एंड प्रोडक्ट आर इन सिंपल होल नंबर रेशियो यहां ने देखा द वॉल्यूम कैन बी टेकन इन एनी यूनिट यहां पर जो हमने वन वॉल्यूम लिखा था ये हम किसी भी यूनिट में ले सकते हैं लीटर्स में मिली लीटर्स में सेंटीमीटर क्यूब कोई भी यूनिट वॉल्यूम का हो उसमें हम ये रेशियो निकाल सकते हैं अब इसमें एक एग्जाम्पल हम करेंगे एग्जाम्पल है वट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एन टी पी इज रिक्वायर्ड फॉर द कम्प्लीट कम्बेशन ऑफ टू हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटालीन सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है मिली लीटर्स हमें क्या निकालना है हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एन टी पी और गिवन क्या है वॉल्यूम ऑफ एसिटालीन गिवन है इसका मतलब है यहाँ पर एसिटालीन की कम्बेशन हो रही है और उसके लिए हमें क्या चाहिए ऑक्सीजन चाहिए और प्रोडक्ट क्या बनेगा प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो हमारे पास बैलेंस केमिकल एक्वेशन इस तरह से है टू टाइम्स टू टाइम्स एसिटालीन प्लस फाइव टाइम्स ऑक्सीजन गिव्स फोर टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू टाइम्स वाटर या हम इन टर्म्स ऑफ मोल अगर हम कहेंगे तो हम लिख सकते हैं टू मोल्स ऑफ एसिटालीन रिक्वास फाइव ऑफ ऑक्सीजन अब हमने सिर्फ एसिटालीन और ऑक्सीजन लिखा जैसे क्वेश्चन में है हाँ, है हम एसिटालीन का वॉल्यूम गिवन और ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना है तो हमने इन दोनों को रिलेट कर दिया इन इन टर्म्स ऑफ ऑफ नंबर मोल्स अब हम दोनों को रिलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ डियर वॉल्यूम तो जो रिलेशनशिप अभी हमने पढ़ा था जो रिलेशनशिप इनके मोल्स के बीच में है वही रिलेशनशिप इनके वॉल्यूम्स के बीच में भी है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स तो हम देख सकते हैं टू सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटालियन रिक्वायर्स फाइव सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन अब मैंने यहां पर जो वॉल्यूम के यूनिट हैं वो क्या रखे हैं सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि क्वेश्चन में जो वॉल्यूम के यूनिट थे देवर ऑल्सो सेंटीमीटर क्यूब आर मिली लिटर. तो यहां से हमें पता चला दैट टू सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटालियन रिक्वायर्स फाइव सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन अब क्वेश्चन में गिवन क्या था गिवन था 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटालीन और निकालना था वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स सो वी विल स्टार्ट विद द रिलेशनशिप दैट इज 2 सेंटीमीटर क्यूब एसिटालीन फॉर कंप्लीट कम्बेशन रिक्वायर्स ऑक्सीजन इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर क्यूब नाउ टू सेंटीमीटर क्यूब रिक्वायर्स फाइव सेंटीमीटर क्यूब सो वन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटालीन रिक्वायर्स ऑक्सीजन इक्वल टू फाइव अपॉन टू सेंटीमीटर क्यूब

so this was 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 another example which which based on the volume volume relationship अब एक बहुत ही important concept जो इसमें आता है जिसके बारे में अक्सर एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है वो है concept of limiting, reactant or concept of limiting reagent नाउ what इज लिमिटिंग reactant ए लिमिटिंग रिएक्टेंट रिएक्टेंट कंज्यूम्ड इन ए रिएक्शन मतलब एक रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट पूरी तरह से खत्म हो जाता है मतलब कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट्स में दैट रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएक्टेंट ये रिएक्टेंट जो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है ये क्यों हो जाता है पूरी तरह से कंज्यूम बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट देन रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द स्टोक्योमीट्री ऑफ द रिएक्शन मतलब इसमें ऐसी रिएक्शन में कोई एक रिएक्टेंट कम क्वांटिटी में होता है दूसरा रिएक्टेंट एक्सेस में होता है जो रिएक्टेंट कम क्वांटिटी में है वो खत्म हो जाता है और जो रिएक्टेंट एक्सेस में है वो पूरी तरह से खत्म नहीं होता या पूरी तरह से कंज्यूम नहीं होता तो जो रिएक्टेंट एक्सेस में है उसका कुछ अमाउंट अनयूज रह जाता है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन अब ये limiting reactant इतना क्यों है? क्योंकि ये limiting reactant ही है जो limit करता है या restrict करता है जो करता करता या प्रोडक्ट का कितना अमाउंट बनेगा दैट इज दैट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द क्वांटिटी ऑफ द लिमिटिंग रिएक्टेंट इसका मतलब है कि यहां पर जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी अगर हमने कैलकुलेट करना होगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा उसके लिए हम उस रिएक्टेंट का अमाउंट कंसिडर करेंगे जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है और जो रिएक्टेंट एक्सेस में है उसका अमाउंट हम कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज जो एक्सेस में है उसका कुछ अमाउंट बाकी बच जाता है और वो पूरी तरह से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होता एक एग्जांपल आप देख लीजिए कंबेशन ऑफ मिथेन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन हम अक्सर कंबेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और एयर में ऑक्सीजन एक्सेस में होता है तो न की कंबेशन जब हम एक्सेस ऑफ एयर या एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में करते हैं तो वहां पर जो ऑक्सीजन है वो जो कि एक्सेस में है मतलब मिथेन जो है वो लिमिटेड अमाउंट में होगा दियरफोर मिथेन इज द लिमिटिंग रिएक्टेड इन दिस केस बिकॉज द अदर रिएक्टेड दैट इज ऑक्सीजन इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस एंड इट डज नॉट गेट कंप्लीटली कंज्यूम्ड ओनली मिथेन इन दिस केस विल गेट कंप्लीटली कंज्यूम्ड सो मिथेन इज द लिमिटिंग रिएक्टेड

कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है किसी केमिकल रिएक्शन में और वहीं से फिर हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट कैन बी फाउंड यूजिंग स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है यहां पर थ्री ग्रामस ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 29 ग्रामस ऑफ ऑक्सीजन टू यील्ड वाटर अब यहां पर दो रिएक्टर्स दोनों की क्वांटिटी गिवन है क्या ये दोनों रिएक्टेंट्स पूरी तरह से कंज्यूम होंगे या इनमें से कोई एक पूरी तरह से कंज्यूम होगा और दूसरा बच जाएगा ये हम यहाँ पर पता करना चाहते हैं पहला क्वेश्चन इसमें है हमारे पास विच इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी फॉर्मड इन दिस रिएक्शन और तीसरा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट विच रिमेन्स अनरिएक्टेड अब जो अनरिएक्टेड रहेगा वो कौन सा रिएक्टेंट होगा जो एक्सेस में है मतलब जो स्टोक्योमीट्रिक कैलकुलेशन के हिसाब से जो ज्यादा होगा वो आखिर में अनरिएक्टेड भी रह जाएगा उसका कुछ अमाउंट अनरिएक्टेड रह जाएगा और जो जो कम होगा अकॉर्डिंग टू द स्टोक्योमीट्री वो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा तो इसमें तीन क्वेश्चन है हमारे पास तो हम फिर से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है टू टाइम्स हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव्स टू टाइम्स वाटर अब मोल का रिलेशनशिप आप देखे हाइड्रोजन के दो मोल्स ऑक्सीजन का एक मोल रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म टू मोल वाटर इसके बाद हम क्या करेंगे हम देखेंगे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना है मास है फोर ग्राम्स बिकॉज एक मोल हाइड्रोजन का मास है टू ग्राम्स तो दो मोल्स है तो टोटल मास हो गया फोर ग्राम्स वन मोल ऑफ ऑक्सीजन का कितना मास है इट इज थर्टी टू ग्राम्स और टू मोल्स ऑफ वाटर का मास कितना है इट इज थर्टी सिक्स ग्राम्स तो हमें क्या पता चला? ऑक्सीजन टू ग्रामी सियोमिट्री अब क्वेश्चन में गिवन क्या था थ्री ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन और 29 नाइन ग्राम ऑफ ऑक्सीजन तो हम सबसे पहले देखेंगे कि थ्री ग्राम हाइड्रोजन के लिए अकॉर्डिंग टू स्टोइमीट्री कितना ऑक्सीजन चाहिए था क्या थ्री ग्राम हाइड्रोजन के लिए ट्वेंटी चाहिए या फिर उससे उससे ज़्यादा या उस कम तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेशन करेंगे हम कैलकुलेट क्या, क्या देखेंगे फोर ग्राम ऑफ हाइड्रोजन फॉर कंप्लीट रिएक्शन रिक्वायर्स ऑक्सीजन इक्वल टू थर्टी टू ग्राम कहां से पता चला फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फ्रॉम्योमिट्री वन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन फॉर कंप्लीट रिएक्शन उसके लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए थर्टी टू डिवाइडेड बाय फोर राइट और अब जो गिवन अमाउंट था हाइड्रोजन का वो था थ्री ग्राम तो थ्री ग्राम के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए अब हम क्या करेंगे थर्टी टू अपॉन फोर को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री के साथ तो क्या मिला 24 g अब आप देख सकते हैं कि 3 g हाइड्रोजन के लिए हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए हमें चाहिए 24 g जबकि क्वेश्चन में कितना ऑक्सीजन गिवन था गिवन ऑक्सीजन कितना था इट वाज 29 g इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जो गिवन है वो ज्यादा है जितना रिक्वायर्ड है वो सिर्फ 24 g है बल्कि लेकिन अगर हम देखेंगे जो गिवन है वो ट्वेंटी नाइन ग्राम है इसका मतलब है कि थ्री ग्राम हाइड्रोजन के लिए ट्वेंटी नाइन ग्राम ऑक्सीजन है वो ज्यादा है ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन एक्सेस सो द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस वो तो कंज्यूम नहीं होगा और जो दूसरा रिएक्टेंट है वो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा यहां से हमें क्या पता चला कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है ऑक्सीजन तो नहीं है बिकॉज ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन एक्सेस सो द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज हाइड्रोजन इन दिस केस तो ये बात तो पता चल गई कि हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन डिपेंड करेगा ऑन द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड नॉट ऑन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्मड तो वाटर की फॉर्मेशन उसके लिए हम क्या करेंगे हम हाइड्रोजन का मास और वाटर का मास आपस में रिलेट करेंगे हाइड्रोजन का मास फोर ग्राम अकॉर्डिंग टू स्टोक्योमीट्री फोर फोर ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद फोर ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कंप्लीटली विद ऑक्सीजन टू फॉर्म थर्टी सिक्स ग्राम्स ऑफ वाटर तो अगर फोर ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन के रिएक्शन से थर्टी सिक्स ग्राम वाटर बनता है तो वन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से कितना वाटर बनेगा

अब जो तो तीसरा पार्ट था इस क्वेश्चन का वो था कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ वन ऑफ द रियक्टेंट विच अनरिएक्टेड तो कौन सा रिएक्टेंट था अनरिएक्टेड द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन एक्सेस तो जैसे हमने देखा एक्सेस में क्या था ऑक्सीजन वॉज प्रेजेंट इन एक्सेस तो हम देखेंगे कि ऑक्सीजन का कितना अमाउंट रिक्वायर्ड था और कितना अमाउंट प्रेजेंट था तो जैसे हमने पहले स्टेप में कैलकुलेट किया था थ्री ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन

ट्वेंटी नाइन ग्राम में से ट्वेंटी फोर ग्राम ऑक्सीजन तो रिएक्ट हो गया तो द एंड ऑफ द रिएक्शन 5 ग्राम ऑक्सीजन इज लेफ्ट तो इस तरह से हम ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट कैलकुलेश कर सकते हैं तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है टॉपिक में फिर से हम मिलेंगे तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर